अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है हैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक बड़ा ही दिलचस्प एपिसोड लाए हैं कि गर्मी सर्दी दिन रात के बारे में कि ये कैसे होते हैं। इस सब का ताल्लुक सूरज की हरकत से, वो कैसे सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। जहाँ जहाँ सूरज बढ़ता है वहाँ वहाँ दिन होता है, रोशनी होती है और उसके पीछे पीछे रात होती है और फिर से मशरिक से तुलू मगरिब। ये होती है सूरज की 24 घंटे का चक्कर कि जिससे दिन रात आते हैं मशरिक से मगरिब। अब हम आपको बताते हैं सर्दी और गर्मी के बारे में। दरअसल सूरज 6 माह शुमाली दुनिया में लगाता है, 6 माह जुनूबी दुनिया में, नॉर्थ एंड साउथ। वो जैसे सूरज जब 21 मार्च को इक्वेटर यानी सेंटर में पहुंचता है, 22 मार्च से वो शुमाली दुनिया में कदम रखना शुरू करता है और फिर उसको लगते हैं 3 माह पहुंचने में। जब सूरज को जब 3 माह लगते हैं, जब पूरे हो जाते हैं तो सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी शुमाली दुनिया के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, बिल्कुल करीब होता है और उस टाइम बहुत गर्मी होती है। और फिर वो 22 जून से फिर से सेंटर की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ सफर शुरू करता है और फिर उसको लगते हैं 3 माह पहुंचने में। और 23 सितंबर को वो पहुंचता है इक्वेटर यानी सेंटर में और 24 सितंबर से वो जुनूबी दुनिया में कदम रखना शुरू करता है, फिर वो 3 माह लगाता है। फिर 22 दिसंबर को वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्री यानी जुनूबी दुनिया के बिल्कुल करीब होता है और फिर से वो 23 दिसंबर से इक्वेटर की तरफ सफर शुरू करता है और 21 मार्च को वो फिर से इक्वेटर यानी सेंटर में पहुंचता है। और अब हम आपको बताते चले कि जब सूरज शुमाली दुनिया में होता है तो शुमाली दुनिया वालों के दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है और गर्मी होती है। वो क्यों? क्योंकि सूरज उनके बिल्कुल ऊपर है, देर जल्दी तुलू होता है और देर से गुरूब होता है। और जुनूबी दुनिया वालों की ठंड यहाँ पर सर्दियाँ होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं और सूरज यहाँ पर लेट से तुलू होता है और जल्दी गुरूब होता है। और जब सूरज जुनूबी दुनिया में होता है तो जुनूबी दुनिया वालों के दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं और गर्मी होती है। और शुमाली दुनिया वालों के मतलब हमारे वालों के दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं और सर्दी होती है। कोई तो है जो चला रहा है निजाम हस्ती, वही तो है खुदा है, मेरा खुदा है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम अगला एपिसोड हमारा चांद पे होगा कि चांद कब कौन सी तारीख है और क्या तुलू क्या गुरु। हम आपको अगला एपिसोड